जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। मान लीजिए एक दिन के लिए अपने जीवन में आपके पास हाथ और पैर ही नहीं है, अपने जीवन को बिना हाथ और पैरों के जीवन जीने की कोशिश करें, निश्चित ही आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन निकोलस से मिलिए, जिनका जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनका जन्म भी बिना हाथ और पैरों के हुआ था। कई डॉक्टर उनके इस विकार को सुधारने में असफल हुए और आज भी निक अपना जीवन बिना हाथ और पैरों के जी रहे हैं। हाथ पैरों के बिना प्रारंभिक जीवन बिताना उनके लिए काफी मुश्किल था। बचपन से उन्हें काफी शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने इस विकार से हार नहीं मानी। हमेशा वे औरों की तरह जिंदगी को जीने की कोशिश करते रहे। निक को हमेशा आश्चर्य होता था वे दूसरों से अलग क्यों हैं। वे बार बार अपने जीवन के मकसद को लेकर सवाल पूछा करते थे और उनका कोई उद्देश्य है या नहीं, यह प्रश्न भी अक्सर उन्हें परेशान करता था। निक के अनुसार आज उनकी ताकत और उनकी उपलब्धियों का पूरा श्रेय भगवान पर बने अटूट विश्वास को ही जाता है। उन्होंने कहा, अब तक के जीवन में जिनसे भी मिले, फिर वे चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार, उन सभी ने उन्हें काफी प्रेरित किया। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले भाषण से लेकर अब तक निक पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं, अपने प्रेरणादायी घटनाओं से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। विश्व भर में आज निक के करोड़ों अनुयायी हैं जो उनके देखकर प्रेरित होते हैं। आज वे एक लेखक, संगीतकार, कलाकार हैं। साथ ही उनको फिशिंग, पेंटिंग और स्विमिंग में भी काफी रुचि है। 2007 में निक ने ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण कैलिफोर्निया की लंबी यात्रा की, जहां वे इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ विदाउट लिम्बस के अध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना 2005 में की गई। 1990 में उन्होंने अपनी इस बहादुरी के लिए ऑस्ट्रेलियन यंग सिटीजन अवार्ड भी जीता। निक कहते हैं, यदि भगवान बिना किसी हाथ और पैर वाले इंसान का उपयोग अपने हाथ और पैर समझकर करते हैं, तो वे किसी के भी दिल का उपयोग कर सकते हैं। 33 वर्षीय निक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता हैं, बल्कि वह सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ और फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सफरिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनके जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़े रहने के बजाय अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति पाली और आशा के इसी संदेश के साथ 44 से अधिक देशों की यात्रा की, जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वहीं निक जैसे लोग हर पल यह साबित करते हैं असंभव कुछ भी नहीं है, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। तभी तो जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे मुश्किल ही क्यों न हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। निक न हारा और निक जैसे लोग कभी न हारेंगे। सिर्फ हौसला बुलंद रखो, कुछ करने की तमन्ना दिल में रखो।